हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, ये क्या है? एक चार्जर है ना। ये चार्जर को मैंने ऑफ़ किया, ये ऑन किया। तो अभी तक आपने स्विच के बारे में यही जाना होगा कि ऑन करते हैं या फिर ऑफ़ करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एक इंडस्ट्री, बड़ी सी इंडस्ट्री में लगी हुई एक मोटर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बस इतना ही सफिशियंट होगा कि उसको एक ऑन और एक ऑफ़ कर दिया जाए और वो मोटर अपने हिसाब से चलती रहे, उसको मतलब प्रोसेस में लगी रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें वही हैं अभी भी, जैसे कि ये ऑन और ऑफ। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि स्विचिंग ही मेन है, लेकिन जब प्लांट या इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में कोई बड़ी सी मोटर लगी होती है तो होता क्या है? होता ये है कि अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसे ओवरलोड से ट्रिप हो जाना चाहिए, प्रेशर से ट्रिप होना चाहिए, टेम्परेचर से ट्रिप होना चाहिए, अगर फ्यूज उड़ जाए तो फ्यूज से ट्रिप हो जाना चाहिए। हाँ, तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं होता है कि आप हमेशा हर चीज़ के लिए उसको देखने वाला हो। ये उसका फ्यूज है, ठीक है, ऐसी फ्यूजें लगी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन है ना, तो प्रोटेक्शन के थ्रू उसको बंद होना है, या फिर कोई चीज़ अगर सही है, मतलब जैसे प्रेशर नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वो जो स्विच है वो सब लाइन में आ जाने चाहिए, मतलब उसके थ्रू कंट्रोल पावर मिलना चाहिए। अब जैसे ये स्विच है, ये प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच है, यहाँ से प्रेशर जाता है, ठीक है। वो प्रेशर जाएगा, क्या करेगा ये, इसको देखिए, ये उठेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये उठ रहा है। ये जब उठेगा तो यहाँ पे ये जो स्विच है, ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक प्रेशर बनाने वाली एक मशीन है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो जो प्रेशर बनाने वाली मशीन जो है उसको बंद हो जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तब उस प्रेशर लाइन को हम यहाँ पे लगाते हैं, तो अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो इस स्विच को ऑपरेट कर देगा, और ये स्विच अगर ऑपरेट हो जाएगा तो उस मोटर को जो ऑन करने वाला पावर है उसको वो बंद कर देगा, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर रहेगा तो ये लाइन में रहेगा, और जहाँ ओवर हो गया, ज़्यादा हो गया, उस वक्त इसको उसे ब्रेक कर देना, सर्किट को ओपन कर देता है। तो इस तरह के जितने भी स्विचेस हैं, आपको समझिए कि जिसमें भी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें स्विच का ही फंक्शन ज़्यादा है। ये हो गया प्रेशर स्विच, टेम्परेचर स्विच भी बहुत सारा होता है टेम्परेचर स्विच, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मैं आपको फिल्टर में दिखाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे ना, मतलब स्विचिंग है, स्विचिंग के बाद आपको हर चीज़ में, चाहे वो प्रेशर से हो, चाहे टेम्परेचर से हो, चाहे फ्यूज़ से हो, किसी भी चीज़ से हो, या ओवरलोड से हो, सब में वो ट्रिप होना चाहिए। ट्रिप मतलब बंद हो जाना चाहिए या फिर ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये है ना, ये क्या है, ये है फ्यूज़ है, इसके ठीक साथ में ये एक लगा हुआ है, ये दिख रहा है। तो अगर ये फ्यूज अगर एक भी उड़ जाए तो क्या होता है, ये है, ये बंद हो जाता है। काफ़ी अंधेरा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं टॉर्च लेकर आ रहा हूँ, टॉर्च से आपको थोड़ी सी समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ अंधेरे में मुझसे डेमोंस्ट्रेशन देना हो नहीं पाएगा। मैं आपको टॉर्च के साथ दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये जो है, ये जैसे ही फ्यूज उड़ता है ना, क्या होगा, फ्यूज उड़ते ही ये अपने आप बंद हो जाता है। जैसे घरों में एमसीबी होती है ना आपकी, कि जहाँ अभी थोड़ा सा ओवर करंट आ गया या शॉर्ट हो रहा है, कहीं पे ग्राउंड हो गया, तो उसको बंद होना है। तो इसी तरह की चीज़ें जितनी भी है, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो,
कंप्रेसर से रिलेटेड हो, मोटर गर्म हो रहा हो तो उसके लिए थर्मिस्टर लगा होता है, ठीक है। मोटर के अंदर एक थर्मिस्टर, एक रेजिस्टेंस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है, वो भी ट्रिप करने के काम आता है। ट्रिप मतलब उसको ऑफ कर देना है, सर्किट को बंद कर देना है। तो ये मेन पावर को बंद नहीं करता है, मेन पावर को जो ऑपरेट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल सप्लाई के थ्रू ऑपरेट होना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी आने वाला है इसके बाद, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर आपने शायद देखा होगा, मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर भी दिखाता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट बनाने वाला कॉन्टैक्ट, जैसे ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे तीनों फेज लगेंगे ना, तीनों फेज यहाँ लगेंगे, ये आउटगोइंग, ठीक है, सीमेंस का है। तो अब इसको दबाने वाला कौन दबाएगा इसको? अगर ये दबाना है तब ना पावर थ्री फेज जो सप्लाई है वो मोटर को जाएगी, तो इसको दबाएगा कौन? इसको दबाएगा इसके अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसके अंदर एक कॉइल होता है, उसको जैसी सप्लाई मिलती है 110-220 तो वो इसको खींच लेता है अपनी तरफ। क्या करता है? खींच लेता है, खींच लेता है। तो फिर ये अंदर जो ये कॉन्टैक्ट इनपुट है, ये आउटपुट है, इसके अंदर वो कॉन्टैक्ट बन जाता है। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर है, मगर सीमेंस कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसे खुलता ये, ये देखिए दिख रहा है, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट है, ये डैमेज हुआ है ये, है ना। तो जैसे इसके अंदर कॉइल को सप्लाई आएगी, ये प्लंजर जो है ये अभी अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जब तक ये कवर नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कवर जब तक रहेगा नहीं ये आप मैनुअल प्रेस नहीं कर सकते फॉर सेफ्टी, ठीक है। तो ये जो है ये अंदर जाएगा जब इसके कॉइल को सप्लाई मिलेगी। इस कॉइल को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक कॉइल होता है, कॉइल जैसे ही एनर्जाइज होती है दूसरी सप्लाई से जिसको कंट्रोल सप्लाई बोलते हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर वो पकड़ लेता है और उसके थ्रू मोटर को या किसी इक्विपमेंट को पावर चला जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए यूज होती हैं उनके अंदर सिर्फ स्विचिंग होता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ों में, इलेक्ट्रिकल प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों, मतलब किसी ड्राइव को चलाना है, सप्लाई में जो भी यूज हो रहा है वो सारी चीज़ें उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन यानी बंद या फिर चालू करने के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर स्टडी करेंगे, तब तक के लिए बाय।